हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम करेंगे भाग दो। ये पार्ट टू है जो फरवरी के बेस्ट 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट टू है। याद रखिए, इससे पहले पार्ट वन अपलोड किया गया था जिसमें 1 से लेके 15 फरवरी तक के MCQ कवर किए गए थे और इस वाले में 15 से 28 फरवरी तक के MCQ कवर किए गए हैं। सो पहले आपको पार्ट वन देखना है, उसके बाद ही आपको पार्ट टू देखना है। जो मेरी बेस्ट 200 क्वेश्चन की सीरीज रहती है वो एक क्विक रिविजन के लिए रहती है। एग्जाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें से फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है, ठीक है, जिसे इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट इंजीनियर के तौर पे इंडक्ट किया गया है, यानी पहली इंडियन वुमेन फ्लाइट इंजीनियर इंडियन एयरफोर्स में आने वाली, इनका नाम है हीना जायसवाल और ये हैं चंडीगढ़ से। इनमें से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT के नए चेयरमैन कौन बने, इससे पहले थे सुशील चंदर और सुशील चंदर अब बन गए हैं इलेक्शन कमिश्नर। सुशील चंदर और अशोक लवासा ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं और सुनील अरोड़ा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। CBDT के नए चेयरमैन बने हैं PC मोदी और पूरा नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। एक PC घोष हैं जो भारत के पहले लोकपाल बने, ये भी याद रखिए। PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष, ये भारत के पहले लोकपाल हैं और प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं ये CBDT के नए चेयरमैन हैं। आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे कहा जाता है। इनमें से किस पर्सन को यूनाइटेड नेशंस कंट्रोलर एंड सेक्रेटरी जनरल फॉर प्रोग्राम प्लानिंग बजट एंड फाइनेंस नियुक्त किया है? यूनाइटेड नेशन में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है सेक्रेटरी जनरल, जो अभी हैं एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने किस इंडियन को बनाया है प्रोग्राम प्लानिंग बजट और फाइनेंस के लिए कंट्रोलर एंड सेक्रेटरी जनरल? इनका नाम है चंद्रमौली रामनाथन। एक बात याद रखिए, यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम था कोफी अन्नान, जिनका निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई थी और इनका जन्म घाना में हुआ था। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क में ही है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर को, इसीलिए हम इसे यूनाइटेड नेशंस डे भी बोलते हैं। इनमें से कौन से महान क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया? ये खिलाड़ी हैं शेन वॉन। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है नो स्पिन। इसके अलावा राहुल द्रविड जो हैं ये 5th इंडियन क्रिकेटर बने जिन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। जो सरकार है उन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये शुरू करी है। इस स्कीम में जो भी सब्सक्राइब करेगा उसे मिनिमम कितनी पेंशन मिलेगी पर मंथ जब वो 60 साल का हो जाएगा? इसमें जो मिनिमम पेंशन है वो होगी ₹3,000 महीना मिनिमम, याद रखिए। तो ये जो है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी जो गैर संगठित क्षेत्र है उनके वर्कर के लिए है और याद रखिए ये उन्हीं वर्कर को मिलेगी जिनकी इनकम ₹15,000 महीने से कम है, ठीक है, जिनकी इनकम ₹15,000 से कम है। तो जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें ₹3,000 पर मंथ अश्योर्ड मिनिमम इनकम मिलेगी। नासा का जो मार्स रोवर है, मंगल ग्रह यान नासा का, ठीक है, तो ये अब खत्म कर दिया है इन्होंने इसको, मार्स रोवर को, ठीक है, लेकिन कितने साल तक मंगल ग्रह की तस्वीरें खींची इसने, कितने साल तक काम किया? इसने 15 साल तक काम किया, 15 ईयर्स। एक बात और याद रखिए, नासा का जो सोलर मिशन है उसका नाम है पार्कर और इसका नाम डॉक्टर यूजीन पार्कर के नाम पर रखा गया है। इंडिया का जो सोलर मिशन है उसका नाम है आदित्य एल वन और इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, नासा का हेडक्वार्टर है Washington DC में, ठीक है। और इसरो का जो सबसे हैवी रॉकेट है उसको बोलते हैं GSLV MK3, इसको बाहुबली भी कहा जाता है, ये सबसे हैवी रॉकेट है। और सबसे हैवी सैटेलाइट है GSAT 11। एक बात और, जो चंद्रयान मिशन होगा हमारा चंद्रयान 2, उसका जो स्पेस रोवर है उसका नाम विक्रम रखा गया है,
और ये विक्रम नाम रखा गया है विक्रम साराभाई के नाम पे। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक पास्चर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, पास्चर इंस्टीट्यूट में न्यू वायरल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेगी, जहां पे वायरल वैक्सीन बनाई जाएंगी। ये कौन से स्टेट में बनेगी, कहां है ये पास्चर इंस्टीट्यूट? ये बनेगी तमिलनाडु में। सो आंसर है तमिलनाडु। इनमें से कौन सा स्टेट है जिन्होंने अभी अभी डॉल्फिन सेंसस करवाया है, ठीक है, डॉल्फिन सेंसस, और उसमें ये पता चला है कि डॉल्फिन पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है इनकी, सिर्फ 259 डॉल्फिन बची हैं। तो ये किसने करवाया है? ये करवाया है ओडिशा ने। और ओडिशा में अगर पूछें सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ पे होती हैं, तो आंसर है गहिरमठ, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए, ओलिव रिडली टर्टल्स। ओडिशा की एक बीच है जिसका नाम है चंद्रभाग बीच, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी मिला था। इनमें से किस व्यक्ति को टैगोर सम्मान दिया गया है सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावना के लिए, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में कल्चरल हार्मनी? यह अवार्ड इन्हें 2016 के लिए मिला है। यह मिला है राम सुतार वंजी को, राम सुतार वंजी। और एक बात याद रखिए, 2015 के लिए किसे मिला है? 2015 के लिए मिला है एक बांग्लादेश की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है छाया नाट, छाया नाट। और 2014 के लिए किसे मिला है? 2014 के लिए मिला है राजकुमार सिंह जीत सिंह को। तो आपको देखना है ईयर कौन सा है। 2016 के लिए मिला है राम सुतर वंजी को, 2015 के लिए छाया नॉट, ये बांग्लादेश की संस्था है, और 2014 के लिए मिला है राजकुमार सिंहजीत सिंह को। और राम सुतार वही हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो शिल्पकार हैं, वही है राम सुतार। फ्रैंक बेनी मरामा, इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला है, ठीक है। ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? ये फिजी के प्रधानमंत्री, फिजी की राजधानी है सुवा। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है जिसपे जो नेशनल वाटरवे हैं हमारे, राष्ट्रीय जलमार्ग, उनकी सारी रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी? इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है लेडिस, LADIS। इसकी फुल फॉर्म भी है, एक मैं लिख देता हूं, लीस्ट अवेलेबल डेप्थ, लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन से खिलाड़ी हैं जो वुमेन सिंगल्स चैंपियन बन गई हैं, इंडिया की नेशनल चैंपियन, 83rd नेशनल चैंपियनशिप जीत ली? इनका नाम है सैना नेहवाल, और सैना नेहवाल ने फाइनल में हराया पीवी सिंधु को, पीवी सिंधु। और ये नेशनल चैंपियनशिप हुई थी गुवाहाटी में, जो असम में। अगर पूछें कि मेंस का किसने जीता, यानी मेंस का जो बैडमिंटन चैंपियन है वो कौन है इंडिया का, तो आंसर है सौरभ वर्मा। सौरभ वर्मा ने फाइनल में हराया लक्ष्य सेन को। कौन सी कंट्री है जिन्होंने फुटबॉल का हीरो गोल्ड कप वुमेन्स टूर्नामेंट जीत लिया? हीरो गोल्ड कप का वुमेन्स टूर्नामेंट म्यांमार ने नेपाल को हरा के जीत लिया। सो म्यांमार ने जीता और इन्होंने हराया नेपाल को। एक बात याद रखिए, म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नेपिडाओ। और इंडिया और म्यांमार ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन सनराइज। और ऑपरेशन सनराइज क्या होता है, तो इंडिया और म्यांमार को ज्वाइन करता है कलादान प्रोजेक्ट। तो इसको कुछ लोग थ्रेट कर रहे थे, उनको एलिमिनेट करने के लिए इंडिया और म्यांमार ने चलाया ऑपरेशन सनराइज। और एक फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है वुमेन्स का, सैफ। तो अगर पूछे सैफ कप किसने जीता है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप बोलते हैं इसे, ये इंडिया ने नेपाल को हरा के जीता है 3-1 से। और इंडिया की वुमेन टीम का ये 5th कंजेकेटिव सैफ कप है, यानी 5वीं बार लगातार सैफ कप जीता है इंडिया ने नेपाल को हरा के। कौन सी टीम है जिसने 9th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जीत ली, यानी हॉकी में नेशनल चैंपियन कौन बना है? हॉकी में पंजाब को हरा के रेलवे बना है, रेलवेज। भारत का पहला एग्रोमेट फॉरकास्ट सेंटर, इसका उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया, ये किया गया धारवाड़ में, और धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। कर्नाटका ने एक मिशन भी चलाया था जिसका नाम था स्वच्छमेव जयते, सत्यमेव जयते नहीं, स्वच्छमेव जयते। स्वच्छ मिशन था ये, रूरल एरियाज में स्वच्छमेव जयते शुरू किया था
कर्नाटक ने, और कर्नाटक ने अपने जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं सब में योगा को कंपलसरी भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से राज्य में पहाड़ी डैम मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया? ठीक है, पहाड़ी डैम ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन इसको नवीनीकरण किया जाएगा, इसका आधुनिकरण, इसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, तो इसका इनॉग्रेशन किया गया मध्य प्रदेश में। हालांकि मैं आपको बता दूं पहाड़ी डैम बना कहाँ पे हुआ है, ये झांसी में बना हुआ है और झांसी यूपी में है। और एक बात और, नदी का नाम है धासान नदी, DHASAN, जिस नदी पे डैम बना है। और धासान नदी जो है ये बेतवा की ट्रिब्यूटरी है, बेतवा नदी की सहायक नदी है ये, ठीक है। और बेतवा नदी जो है इसकी इसकी वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी है धासान, और इसका ओरिजिन मध्य प्रदेश में होता है। मासेडोनिया जो है उन्होंने अपना नाम पलट लिया है, मासेडोनिया कंट्री, ये वही कंट्री है मासेडोनिया जहाँ पे मदर टेरेसा का जन्म हुआ था, इनकी कैपिटल है स्कोपजे। मासेडोनिया ने अपना नाम कर लिया है नॉर्थ मासेडोनिया, इनकी कैपिटल क्या है, तो इनकी कैपिटल है स्कोपजे। एक चीज और बता देता हूँ आपको, एक देश है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। अब इन्होंने अस्ताना का नाम चेंज कर दिया है, नया नाम है नूर सुल्तान। तो कजाकिस्तान जो है इसकी कैपिटल अस्ताना का नया नाम है नूर सुल्तान। और नूर सुल्तान क्यों रखा है, क्योंकि कजाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं नूर सुल्तान नजरबायेव, उनको सम्मानित करने के लिए रखा है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि कैपिटल का नाम जो है किसी को सम्मानित करने के लिए रखा जाता है, जैसे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, तो उनके नाम पे अमेरिका की राजधानी का नाम है वॉशिंगटन DC, ठीक है। अब एक चीज और यहां पे याद रखिए, एक देश है बुरुंडी, बुरुंडी ने अपनी कैपिटल बदल दी है, पहले इनकी कैपिटल थी बुजुम्बुरा और अब हो गई है गिटेगा। इनमें से जो कुरकुरे होता है, स्नैक ब्रांड कुरकुरे, ठीक है, कुरकुरे किसका ब्रांड है, पेप्सिको का। और पेप्सिको के चेयरमैन कौन है, पहले थी इंदिरा नुई लेकिन अब नहीं है, अब है रामोन लागुआर्ता, रामोन लागुआर्ता। तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है कुरकुरे का, इनका नाम है तापसी पन्नू, तापसी पन्नू। इनकी एक फिल्म भी आई थी अभी अभी, बदला। इनमें से नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने, पवन हंस, जो हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है भारत की, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन बने, इनका नाम है बीपी शर्मा। इसके अलावा इंडिया ने रोमियो हेलीकॉप्टर्स और चिनूक हेलीकॉप्टर दोनों खरीदे अमेरिका से। उस सूडान के रेफ्यूजी का क्या नाम है जिन्होंने 5 साल ऑस्ट्रेलिया के डिटेंशन सेंटर में बिताए मैनस आइलैंड पे, इन्हें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्राइज मिला है, इनका नाम है अब्दुल अजीज मोहम्मद, अब्दुल अजीज मोहम्मद। और सूडान का पड़ोसी जो कंट्री है वो है साउथ सूडान। अभी अभी हैप्पीनेस सर्वे हुआ है तो साउथ सूडान दुनिया का सबसे ना खुश देश है, और सबसे खुश देश है फिनलैंड, और इंडिया की रैंक है 140। पहला डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम भारत का कौन से शहर में लगाया गया है? डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम ये अमरावती में लगाया है, जो आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल है। मैन सिंगल टाइटल किसने जीता, 83rd एडिशन हुआ था गुवाहाटी के अंदर, मैन सिंगल टाइटल, ये बात हो रही है यहां पर बैडमिंटन की, तो ये जीता सौरभ वर्मा ने, और इन्होंने हराया लक्ष्य सेन को। और अगर वुमेन की बात करें तो सैना नेहवाल ने हराया पीवी सिंधु को। मशहूर एक्टर जिन्होंने एडोल्फ हिटलर का रोल किया था मूवी डाउनफॉल में, उनका निधन हो गया, उनका नाम क्या था, इनका नाम था ब्रूनो गैंस, ब्रूनो गैंस। जलियांवाला जो हत्याकांड है उस पर एक पंजाबी कविता जिसका नाम है खूनी बैसाखी, ठीक है, ये बैन हो चुकी थी ये कविता, इसको इंग्लिश में पब्लिश किया गया है 99 सालों के बाद, 99 ईयर्स के बाद। तो ये पोयम लिखी किसने, ये पोयम लिखी थी नानक सिंह ने। अब इस पोयम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने 3 मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं, उनका उद्घाटन किया, एक हजारीबाग में, एक दुमका में और एक पलामू में। ये कहां पे हैं तीनों, तो ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये हैं झारखंड में, तो आंसर है झारखंड।
इनमें से कौन से राज्य ने एक स्कीम लॉन्च करी है, अन्नदाता सुखी भव। अन्नदाता सुखी भव ये लॉन्च करी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ये जो स्कीम है ये क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको। इस स्कीम में वो किसान जिनके पास 5 एकड़ से जमीन कम है उन्हें आंध्र प्रदेश की सरकार 9,000 रुपये सालाना, 9,000 रुपीज़ पर ईयर देगी। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है ई रायतु। भारत का कौन सा मंत्रालय है, कौन सा मिनिस्ट्री है जिन्होंने एक ऑनलाइन एक्सपोर्ट अवेयरनेस कोर्स लॉन्च करा है जिससे जो एक्सपोर्टर हैं उन्हें ट्रेन किया जा सके। इसका नाम है एनी टाइम एनी वेयर। ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है अपने एम्प्लॉयज के लिए जिसका नाम है नई दिशा। ये वर्क लाइफ बैलेंस को स्टिमुलेट करने के लिए किया है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। सो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी बैंक ऑफ चाइना के साथ भी एग्रीमेंट करा है, ये भी याद रखिए। एसबीआई के चेयरमैन है रजनीश कुमार। इनमें से कौन सी टीम है जिसने ईरानी ट्रॉफी जीत ली, बात हो रही है क्रिकेट की। ईरानी कब जीता, विदर्भ ने, तो आंसर है विदर्भ। और ये फाइनल मैच हुआ था जामता स्टेडियम में, ठीक है। जामता स्टेडियम कहां पे है, नागपुर में। जामता स्टेडियम है नागपुर में। तेलंगाना की सरकार ने अनाउंस करा है कि वो 2 नए डिस्ट्रिक्ट बना रही है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद तेलंगाना में कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तेलंगाना में 31 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 2 और बन गए तो हो गे 33। सो आंसर है 33। जो 2 नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं इनके नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक है नारायण पेट और दूसरा है मुलुगु। नारायण पेट और मुलुगु। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जब बना था तो कितने डिस्ट्रिक्ट थे, सिर्फ 10। बाद में 21 नए बने थे तो हो गए थे 31, और अब 2 और बन गए तो हो गए 33। और अरुणाचल में कितने थे, 22। 3 नए बने हैं तो अरुणाचल प्रदेश में हो गए 25। कौन से राज्य की विधानसभा ने एक बिल पास करा है जिसमें संस्कृत को इस राज्य की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, संस्कृत को। तो यह किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, सेकेंड है संस्कृत। इनमें से फुटबॉल रत्न पुरस्कार शुरू किया है भारत की सरकार ने। सबसे पहला फुटबॉल रत्न किसे मिला है, सबसे पहला फुटबॉल रत्न मिला है फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को, सुनील छेत्री। इनमें से प्यूमा जो कंपनी है स्पोर्ट्स वियर बनाती है प्यूमा, तो प्यूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, इनका नाम है मैरी कॉम। अभी अभी एक 110 फुट ऊंचा हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा फहराया गया, कौन से रेलवे स्टेशन पर फहराया गया। ये इसलिए फहराया गया क्योंकि पुलवामा में जो 40 हमारे सोल्जर मरे थे उनकी शहादत को याद करने के लिए। तो 110 फीट का नेशनल फ्लैग फहराया गया रायपुर के रेलवे स्टेशन पे। रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, सो आंसर है रायपुर। और अब जो कैपिटल है वो रायपुर से शिफ्ट होकर नया रायपुर में बनेगी, और नया रायपुर का नाम रखा जाएगा अटल नगर। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। अर्जेंटीना ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये कौन सा मेंबर बना है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना बना है 72nd मेंबर। और इसके बाद 73rd मेंबर कौन बना है, 73rd मेंबर बना है सऊदी अरेबिया। स्मृति ईरानी जो है इन्होंने हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में उसकी आधारशिला रखी, इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है दीनदयाल अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प भवन। दीनदयाल अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प भवन दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रखा गया है। झारखंड में एक एनजीओ है, ठीक है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है, गर्ल एम्पावरमेंट के लिए। इसे लॉरियाज स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड मिला है। इस एनजीओ का नाम क्या है, इसका नाम है युवा। सो आंसर है युवा। इनमें से
कौन सी हमारी महिला पहलवान है, फीमेल रेसलर, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता स्ट्रैंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट जो बल्गेरिया में हुआ था? किसने जीता? यह जीता निखट जरीन ने, निखट जरीन। और निखट जरीन के अलावा एक ने और जीता है, मीना कुमारी ने, ठीक है, मीना कुमारी ने भी जीता है। और मीना कुमारी ने जीता है 48 किलोग्राम कैटेगरी में और जरीन ने जीता है 51 किलोग्राम कैटेगरी में। इनमें से उस साइंटिस्ट का क्या नाम है जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय उष्मीकरण, ये जो वर्ड है ग्लोबल वार्मिंग, इसको पॉपुलराइज किया था? इन साइंटिस्ट को बोलते थे वॉलेस स्मिथ ब्रोकर, वॉलेस स्मिथ ब्रोकर। इनका निधन अभी अभी हो गया। पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है डॉक्टर जी सी अनुपमा, डॉक्टर जी सी अनुपमा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने कुसुम स्कीम को अप्रूव कर दिया है। कुसुम में एस का मतलब क्या है? कुसुम किसको क्या बोलते हैं? किसान ऊर्जा सुरक्षा, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो एस से क्या है? सुरक्षा। और कुसुम योजना है क्या? कुसुम योजना है किसानों को सौर ऊर्जा लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए। सरकार ने ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का जो सेकेंड फेज है वो अप्रूव कर दिया है। इसमें हम 2022 तक कितनी रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट से ऊर्जा लगाएंगे, याद रखिए ये सिर्फ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट से है, तो ये लगाएंगे हम 40,000 मेगावाट 2022 तक। और 2022 तक हमें टोटल सोलर कैपेसिटी कितनी इंस्टॉल करनी है? 100 गीगावाट। और रिन्यूएबल एनर्जी कितनी करनी है? 175 गीगावाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन करा। ये वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम जो है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। कहां बनाया है? ठीक है, ये बनाया है वाराणसी में। सो आंसर है वाराणसी। वाराणसी में एक जगह है जिसे बोलते हैं मन महल, वहां पे ये बना है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और हमारे कल्चर मंत्री हैं डॉक्टर महेश शर्मा। भारत का पहला फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर, इसका उद्घाटन हमारे कल्चर मंत्री महेश शर्मा ने किया। ये फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर कौन से शहर में बना है? ये बना है कोलकाता में, कोलकाता। और कोलकाता एक बात याद रखिए, कोलकाता पुलिस, कोलकाता की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक फीमेल पुलिस स्क्वाड बनाया है महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, अपराध होते हैं, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, ईव टीजिंग वगैरह को रोकने के लिए। और इस पुलिस स्क्वाड का नाम रखा है द विनर्स। अट्टुकल पोंगल, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन होता है महिलाओं का, ये कौन से शहर में हुआ? ये केरल में हुआ। और केरल में कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम, जो कैपिटल है वहां पे ये हुआ। इसको बोलते हैं अट्टुकल पोंगल। इनमें से कौन से राज्य की पुलिस है जो भारत में पहली पुलिस बनी है जिसने ह्यूमेनॉइड रोबोट का इस्तेमाल पुलिस फोर्स में करा है? ह्यूमेनॉइड रोबोट मतलब जो बिल्कुल मानव जैसा दिखने वाला रोबोट है, ये शुरू कराया अभी अभी केरला की गवर्नमेंट ने। और इसका नाम रखा है केपी बॉट। सो आंसर है केरला। इनमें से BCCI का ओम्बड्समैन किसे बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने? ओम्बड्समैन मतलब लोकायुक्त, ये बनाया गया है DK जैन को, DK जैन। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर जिनकी एक सुपरहिट मूवी थी मैंने प्यार किया, इनका निधन हो गया, इनका नाम क्या था? इनका नाम था राजकुमार बाड़जात्या। इनकी प्रोडक्शन हाउस को बोलते हैं राजश्री। हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, बहुत सारी फिल्में बनाई हैं राजश्री प्रोडक्शन ने। मलेशिया के 8 बार वर्ल्ड चैंपियन निकोल डेविड ने रिटायरमेंट ले लिया, ये कौन सा खेल खेलते थे? ये खेलते थे स्क्वॉश, स्क्वॉश। इंडिया के भी स्क्वॉश के अच्छे खिलाड़ी हैं जैसे सौरभ घोष तो वर्ल्ड टॉप 10 में आ गए हैं। दीपिका पल्लिकल, जोशना चिनप्पा, ऋत्विक भट्टाचार्य, रमित टंडन, बहुत सारे खिलाड़ी हैं हमारे भी स्क्वॉश के। हमारा जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु, उन्होंने एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसे GEM बोलते हैं शॉर्ट में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये है कि जो भी सरकार
खरीदती और बेचती है सामान गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू कर सकती है। इवन जो अनाज मंडी हैं उनको भी, जिन्हें हम APMC बोलते हैं, उन्हें भी GEM से कनेक्ट कर दिया गया है। इसके लिए एक स्वायत्त लॉन्च करा है। स्वायत्त में W का मतलब क्या है? स्वायत्त आप समझिए, पहले इसकी फुल फॉर्म है स्टार्टअप्स, मतलब नए उद्योग। W से है वुमेन, एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शंस ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो W का मतलब है यहाँ पे वुमेन। इनमें से सियोल पीस प्राइज 2019 के लिए किसे मिला है? सियोल पीस प्राइज मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इससे पहले उन्हें एक और प्राइज मिला था, UN चैंपियंस ऑफ अर्थ प्राइज। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने एक मीठी क्रांति योजना शुरू करी है, यानी स्वीट रेवोल्यूशन स्कीम, इसको स्टार्ट कराया अभी अभी? झारखंड ने। सो आंसर है इसका झारखंड। और ये स्कीम क्या है? इसमें बेसिकली क्या है कि जो फार्मर हैं उन्हें पैसा दिया जाएगा जिससे वो मधुमक्खी पालन करें, जिससे शहद का उत्पादन हो। तो शहद, यहाँ मीठा मतलब शहद है। कौन सा कंट्री है जो 73rd कंट्री बना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बना है? तो 73rd है सऊदी अरेबिया, और अर्जेंटीना था 72nd। कौन सा कंट्री है जिसका एक एनिमल है जिसको बोलते हैं ब्राउन रैट, ये पहला मैमल बना है जो एक्सटिंक्ट हो गया है, यानी दुनिया से विलुप्त हो गया है पूरी तरह से? कहाँ पाया जाता था ब्राउन रैट? क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सटिंक्ट हो गया है। ये रिसर्च करा यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने। क्वींसलैंड है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, तो ये एक्सटिंक्ट हो गया है। इनमें से किसने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने का? तो शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा क्रिस गेल। इनमें से कौन से पॉलिटिशियन हैं जिन्हें स्पेन में मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट? ये वहां का बहुत बड़ा एक नागरिक सम्मान है, ये मिला सुषमा स्वराज को, जो हमारी विदेश मंत्री हैं। परम शिवाय, ये न्यूज में था अभी अभी, ये क्या है? परम शिवाय जो IIT है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, IIT BHU बोलते हैं जिसे, वहां पे एक सुपर कंप्यूटर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन कराया, परम शिवाय। इनमें से कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है इंडिया में जिसमें 2 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट बने हैं? कोस्ट गार्ड, यहां पे जो हमारे तट रक्षक है वो रखे जाएंगे, ठीक है? तो ये बने हैं 2 तमिलनाडु में। इसमें पहला कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और दूसरा बना है अभी अभी टूटीकोरिन में। 2 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट बने हैं यहां पे, तो आंसर है तमिलनाडु। 10,000 उज्ज्वल दीदी, इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा। ये LPG की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, कौन से स्टेट में? उज्ज्वल दीदी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी उड़ीसा के अंदर, सो आंसर है उड़ीसा। मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू करी है, तो इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है कितने दिनों का दिया जाएगा बेरोजगार युवाओं को? इसमें 100 दिन का जो है वो रोजगार दिया जाएगा सभी बेरोजगार युवाओं को, 100 डेज का जो वर्क है वो मिलेगा हर साल। इनमें से कौन से स्टेट ने खुशी योजना शुरू करी है जिसमें जो 6th क्लास से 12th क्लास तक की लड़कियां हैं उन्हें फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे? ये खुशी योजना जो है अभी अभी उड़ीसा की सरकार ने शुरू करी है, उड़ीसा। इनमें से पहली इंडियन वुमेन कौन है जिन्हें ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड मिला है? फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड मिला है दिव्या कर्नाड को, दिव्या कर्नाड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक 4 मेंबर की कमेटी बनाई है जो टैक्स रिलेटेड चीजों को पे काम करेगी, और टैक्स रिलेटेड इश्यूज जो हैं उन पे जो लिटिगेशन होते हैं, लिटिगेशन मतलब जो एक दूसरे के ऊपर लोग केस कर देते हैं, उनको कम करने की कोशिश करेगी। इसके चेयरमैन कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके चेयरमैन बने हैं संजीव शर्मा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 कैटेगरी हैं NBFC की, उन्हें आपस में मर्ज कर दिया है और एक नई कैटेगरी बना दी है NBFC ICC। तो ICC की फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ICC का मतलब यहां पे है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। तो किस किस को मर्ज करा है? एक तो करा है AFC को, एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी। AFC, LC और IC, इन तीनों को मिला के बना दिया ICC, यानी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी।
जो हमारा मंत्रालय है खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, इसकी मंत्री कौन है आप जानते हैं, इसकी मंत्री है हरसिमरत कौर बादल। तो इसमें जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, राज्य के मंत्री, वो है साध्वी निरंजन ज्योति। इन्होंने सिकरिया मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कौन से शहर में करा, कहाँ बना है सिकरिया मेगा फूड पार्क? ये बना है अगरतला में, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में। त्रिपुरा के जो आखिरी राजा थे वो थे वीर विक्रम माणिक्य किशोर, और उनके नाम पे अगरतला का हवाई अड्डा, उसका नामकरण हो गया है। पहली महिला कौन है जिन्होंने भारत में बना हुआ तेजस लड़ाकू विमान उड़ाया, इसको को पायलट किया? ये है पीवी सिंधु। तेजस उड़ाने वाली फर्स्ट वुमेन बनी। हमारी कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने एक एरी फार्मिंग, इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल एरी फार्मिंग कौन से स्टेट में लॉन्च करा है? एरी एक तरह का सिल्क होता है, रेशम, इसको अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। सो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अभी अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में, ठीक है, और उस ओकेजन पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या था लॉजिस्टिक्स के लिए? इसका नाम था सफर। सो आंसर है सफर। इनमें से कौन सी वुमेन विकेट कीपर है जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने हाईएस्ट कैच लिया एक क्रिकेट बॉल का, ठीक है, हाईएस्ट कैच ये बनाया एलिसा हिली ने, ऑस्ट्रेलिया की वुमेन विकेट कीपर है ये, और इन्होंने जो कैच पकड़ा वो 82.5 मीटर जो है ये इसकी हाईएस्ट कैच थी, 82.5 मीटर। कौन सा कंट्री है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का जो 46th मीटिंग होगी उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है? गेस्ट ऑफ ऑनर होगा इंडिया। इनमें से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पहले थे ब्रिजभूषण सिंह और अब भी हैं ब्रिजभूषण सिंह, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को दोबारा चुन लिया गया है। 2018 का एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है, यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ये मिला हरमनप्रीत सिंह। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कौन से कंट्री को सस्पेंड कर दिया है कि वो ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे? ये इन्होंने इंडिया को किया है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया था। सूडान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सूडान के नए प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद ताहिर एला। सूडान की कैपिटल है खार्तुम। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू करी है, इसमें जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं उनके परिवारों को पर ईयर कितना अमाउंट दिया जाएगा, इसमें 6,000 रुपये दिया जाएगा, पीएम किसान योजना बोलते हैं इसे, तो आंसर है 6,000 रुपये। कौन सा स्टेट है जिसने बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है, यानी नाव जो है वो एम्बुलेंस का काम करेगी, इस सेवा को ओडिशा में शुरू किया गया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। हमारा जो गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री हमारी, तो हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन किया, कौन से जगह किया? वेस्ट टू वंडर पार्क, ये बना है नई दिल्ली में, सो आंसर है दिल्ली। स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर खान। इनमें से कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है जिसने डॉग्स का इस्तेमाल शुरू करा है, स्पेशली ट्रेंड डॉग्स, ये शराब की जो स्मगलिंग होती है उसे रोकेंगे? पहला स्टेट बना है शराब की चोरी रोकने के लिए जो कुत्तों का इस्तेमाल करेगा, बिहार। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कौन सा डैशबोर्ड लॉन्च करा जो लोगों को रेलवे के बारे में जानकारी देगा, रेलवे ने क्या क्या नए इनिशिएटिव्स लिए, नई नीतियां बनाई, नए काम किए, सबकी जानकारी मिलेगी? इसका नाम है रेल दृष्टि। अश्वनी कुमार चौबे जो हैं उन्होंने अभी अभी नेशनल एक्शन प्लान हमारा लॉन्च करा, कौन से डिजीज के लिए, कौन से डिजीज को रोकने के लिए? तो भारत ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया है हेपेटाइटिस को रोकने के लिए, और हेपेटाइटिस जो है ये एक लिवर का डिजीज होता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कौन सी मोबाइल ऐप बनाई है लोकसभा इलेक्शंस के लिए? ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसलिए बनाई है, इसका नाम है सी विजिल। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन का परमानेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? यूएन के एम्बेसडर जो है पहले थी
निकी हेले और अब हैं कैली नाइट क्राफ्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैली नाइट क्राफ्ट कौन सी कंपनी है जिसने एक अपना ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च करा है जिसका नाम है वर्ल्ड क्लास, इंडिया में लॉन्च करा है. इसमें 10 मिलियन लड़कियों को और महिलाओं को सपोर्ट किया जाएगा 2030 तक. ये करा है डेलॉइट ने. डेलॉइट कौन सा राज्य है जिसने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू करा है? सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात की सरकार ने शुरू करा है, जिसे पानी की कमी ना हो और पानी का संचय किया जाए, उसको स्टोर किया जाए. गुजरात की सरकार ने ही पूर्णा योजना भी शुरू करी थी महिलाओं में कुपोषण को रोकने के लिए, पूर्णा योजना. अफ्रीका के जो चीता हैं वो कौन से देश से नौरादेही वन्य विहार जो मध्य प्रदेश में है वहां पे लाए जाएंगे? चीता भारत में नहीं मिलता है लेकिन चीता को लाया जाएगा नामीबिया से. सो आंसर है नामीबिया. नामीबिया की राजधानी क्या है कमेंट्स में लिख के बताइए. और याद रखिए मध्य प्रदेश में अभी अभी एक, क्योंकि नौरादेही मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पलपुर कूनो, इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है. प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया. कहाँ बना है ये? ये बना है नई दिल्ली में, नेशनल वॉर मेमोरियल. कौन सी टीम ने सबसे पहला प्रो वॉलीबॉल लीग जीता? प्रो वॉलीबॉल लीग जीतने वाली टीम जो है वो है चेन्नई स्पार्टन्स, और इन्होंने फाइनल में हराया कालीकट हीरोज को. सो आंसर है चेन्नई स्पार्टन्स, और इन्होंने हराया कालीकट हीरोज को. कोबरा गोल्ड, ये बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, युद्ध अभ्यास हुआ है. कौन से देश में हुआ है? बहुत सारे कंट्री ने हिस्सा लिया है इसमें. ये थाईलैंड में हुआ, थाईलैंड. इसमें 29 कंट्रीज ने हिस्सा लिया. कौन सी मूवी को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर मिला है? बेस्ट फिल्म का ऑस्कर मिला है ग्रीन बुक को. और बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, बस तीन याद रखने होते हैं आपको. तो बेस्ट एक्टर है रामी मलिक, और रामी मलिक जो है इन्होंने कौन सी मूवी में काम किया? बोहेमियन रैप्सोडी. और बेस्ट एक्ट्रेस है ओलिविया कोलमैन. इनमें से मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? मेटा यानी महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड, ये मिला मशहूर थिएटर एक्टर महेश एलकुंचवर को. चना बसप्पा का निधन हो गया. ये बहुत प्रसिद्ध क्या थे? ये बहुत प्रसिद्ध जो है ये राइटर थे, तो और कन्नड़ भाषा में लिखते थे. सो आंसर है लेखक. हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री जो मंत्रालय है, और हमारे सिविल एविएशन मंत्री और कॉमर्स और इंडस्ट्री के मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का उद्घाटन कराया. कौन से दो सिटीज में? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एक तो बना है भोपाल में नया, और एक बना है अभी अभी जोरहाट में. भोपाल है मध्य प्रदेश में और जोरहाट है असम में. इसके अलावा चार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन टोटल बनने थे, एक तो भोपाल में, एक जोरहाट में, बाकी दो कहाँ? तो एक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में और एक आंध्र प्रदेश में अमरावती में. तो चार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन रहे हैं, भोपाल, जोरहाट, कुरुक्षेत्र और अमरावती. पहला बॉलर कौन है T20 क्रिकेट के इतिहास में जिसने चार बॉल में चार विकेट लिए? ये है अफगानिस्तान का खिलाड़ी रशीद खान. रशीद खान. गांधी पीस प्राइज किसे मिला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 2018 के लिए? गांधी पीस प्राइज 2018 के लिए मिला है योहई सासाकावा को. योहई सासाकावा. और 2015 के लिए किसे मिला? 2015 के लिए मिला विवेकानंद केंद्र को. यह कन्याकुमारी में एक संगठन है जो ग्रामीण विकास के लिए काम करता है. 2016 के लिए किसे मिला? 2016 के लिए मिला है अक्षय पात्र फाउंडेशन को. अक्षय पात्र फाउंडेशन जो मिड डे मील बच्चों को खिलाता है. और 2017 के लिए मिला है एकल अभियान ट्रस्ट को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2017 के लिए मिला है एकल अभियान ट्रस्ट को. 2016 के लिए मिला है अक्षय पात्र फाउंडेशन को. 2015 के लिए मिला है विवेकानंद केंद्र को. और 2018 के लिए मिला है जापान की योही सासाकावा को. तो चारों आपको अच्छे से याद करने. अभी अभी एक युद्धाभ्यास करा है भारत ने जिसका नाम है संप्रीति. कौन से देश के साथ करा है? संप्रीति हम करते हैं बांग्लादेश के साथ. और श्रीलंका के साथ हमने युद्धाभ्यास अभी अभी करा है जिसका नाम है मित्र शक्ति. इनमें से नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन कौन बना है? नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन जो बने हैं अभी अभी, उनका नाम है गोविंद प्रसाद शर्मा. गोविंद प्रसाद शर्मा. इसमें एक बात और याद रखिए, मैंने स्मृति ईरानी के बारे में बता रहा था. तो एक म्यूजियम है जिसका नाम है तीतन वाला म्यूजियम. इसका उद्घाटन अभी अभी किया है राजस्थान के बागरू में. ठीक है, राजस्थान के बागरू में तीतन वाला म्यूजियम का उद्घाटन करा है अभी अभी स्मृति ईरानी ने.
इसरो जो है वो डीआरडीओ की कौन सी डिफेंस सैटेलाइट उसने लॉन्च करी मार्च में? इस डिफेंस सैटेलाइट का नाम है एमीसैट। सो आंसर है एमीसैट। और ये किस तरह की सैटेलाइट है? ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। और इसरो के कौन है? के सिवन। कौन सा स्टेट है जिसने प्रणाम कमीशन बनाया है जिसमें लोग जो हैं उन्हें बाध्य किया जाएगा अपने पेरेंट्स की ओल्ड एज में वो केयर करें? प्रणाम कमीशन बनाया है असम की सरकार ने। कौन से इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी हैं जिन्हें नाइटहुड मिला है? नाइटहुड मतलब इनके नाम के आगे अब सर लगेगा। ये खिलाड़ी हैं सर एलिस्टर कुक। मोहम्मद बुहारी ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। नाइजीरिया, इसकी कैपिटल है अबुजा। पहले इंडियन कौन है जिन्होंने T20 में 8000 रन बनाए? पहले इंडियन खिलाड़ी T20 में 8000 रन बनाने वाले हैं सुरेश रैना। जो हमारा श्रम मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है जिसमें अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, औद्योगिक लड़ाई या कोई मतभेद, तो उसे यहाँ पे सुलझाया जा सकता है, आप यहाँ पे रेज कर सकते हैं। यानी जो लेबर हैं हमारे जो काम करते हैं, अगर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके खिलाफ शिकायत है तो दर्ज कर सकते हैं। इसका नाम रखा है समाधान। सो आंसर है समाधान। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्टार्टअप्स की डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। कितने साल तक अगर नया बिजनेस है उसे स्टार्टअप कहा जाएगा? अब 10 साल तक कोई बिजनेस है उसे स्टार्टअप कहा जाएगा, 10 ईयर्स। पहले था 7 ईयर्स। इनमें से किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर रहे लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में नोवाक जोकोविच। इन्होंने काफी सारे टूर्नामेंट जीते हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, पिछले साल इन्होंने यूएस ओपन जीता, विंबलडन जीता, तो काफी कुछ जीत लिया इन्होंने। तो नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इनकी कंट्री है सर्बिया। इन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और अगर पूछें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर हैं सिमोन बिल्स, और सिमोन बिल्स जो हैं जिमनास्ट हैं अमेरिका की। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया का पहला डीजल से इलेक्ट्रिक कन्वर्टर लोकोमोटिव ये कौन से शहर में उसका उद्घाटन किया? कहां से हरी झंडी दिखाई? ये डीजल इंजन था, इसे इलेक्ट्रिकल इंजन में कन्वर्ट कर दिया गया, तो इसको हरी झंडी जो दिखाई प्रधानमंत्री मोदी ने वो दिखाई वाराणसी से। सो आंसर है वाराणसी। भारत की जो वायुसेना है एयरफोर्स, उन्होंने एक युद्ध अभ्यास करा वायु शक्ति कौन से स्टेट में करा? वायु शक्ति को किया गया पोखरण राजस्थान में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि अमेरिका एक दीवार बनाएगा कौन से देश के साथ जिससे ड्रग्स और क्रिमिनल्स को आने से रोका जाएगा? ये दीवार बनेगी मेक्सिको के साथ, इस पे निर्माण शुरू हो चुका है। सो ये थे फरवरी के बेस्ट 200 क्वेश्चन का भाग दो। अगर आपने ये दोनों वीडियोस देख लिए हैं, पार्ट वन और ये वाला पार्ट टू, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर भारत के किसी भी एग्जाम में जाके बैठ सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है। और अभी IBPS PO का रिजल्ट आया था अभी 4 से 5 दिन पहले, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके वॉल देख सकते हैं, लगभग 200 से ज़्यादा सिलेक्शन जो हैं IBPS PO में स्टूडेंट्स उसका श्रेय इन करंट अफेयर्स को देते हैं जो आप ये देख रहे हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में आप ये निश्चिंत होकर जा सकते हैं। लगभग 10 से 20 लाख लोग भारत में इन करंट अफेयर्स को, जो मेरी बेस्ट 200 सीरीज है, इसको देखते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और बहुत जल्दी मैं मार्च के बेस्ट 200 क्वेश्चन के वीडियो जो हैं वो दोनों भी लेकर आऊँगा। Thank you so much and God bless you.